लोकसभा 2022 चुनाव के चलते प्रदेश में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। जनपद मैनपुरी में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर अब प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं के घर जाकर कहीं पैर छूकर तो कहीं हाथ जोड़कर तो कहीं राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए घोषणा पत्रों को हाथ में देखकर अपने हित में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मतदाता आश्वासन तो कहीं आशीर्वाद तो कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। तो वही चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी मतदाताओं से निजी वादे करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही नजारा भोगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आलोक शाक्या क्षेत्र के गांव निजामपुर, भैसरोली, जसराजपुर, नूरमपुर, अलीपुर, खेड़ा, जगतपुर, दूधोना आदि कई गांवों में जनसंपर्क किया तो कहीं नुक्कड़ सभा कर रहे तो कहीं बैठक कर लोगों की समस्याएं सुनकर पूरा करने के बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही घोषणा पत्र में जारी मुद्दों पर खरा उतरने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझान तो आप देख ही रहे हो, अब कई गांवों में हमारे साथ होके आए हो, पूरे गांव के गांव दरवाजे दरवाजे गांव के लोग वोट मंगवाते हैं और सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, व्यापारी हैं, सारे लोगों के लिए इस घोषणा पत्र में जो काम होने हैं उनके मूलभूत समस्याएं हैं उनको उन्होंने जारी किया है। अच्छा, इस घोषणा पत्र को अगर ये बात की जाए तो क्या इसमें जो ना गरीब तबकों को लाभ मिलेगा या रईसों को भी लाभ मिलेगा बीजेपी की तरह? अरे गरीब तबकों को और जो लाभ के लायक है, जो परेशान है, गरीब है, मजदूर है, उन सारे लोगों के लिए इस घोषणा पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें जगह दी है। आज जो ना बेरोजगार जो युवा भटक रहा है, अभी हम पिछले गांव में पूछताछ की है उन युवाओं से, तो उनका ये कहना है कि अब ओवरएज हो चुके हैं, तो अब उनके लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी जो ओवरएज हो चुके हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब जब भी सरकार आई है, नौजवान हों, किसान हों, उन सारे लोगों के लिए रास्ता खोला है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अभी करहल में, तो उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती कराएंगे और फौज की भर्ती कराएंगे, जो नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार उनके लिए रास्ता खोलेंगे। वही बात मतलब शिक्षा स्तर की, तो शिक्षा स्तर में अभी तक देखने को मिला पूरे 5 साल में जो ना शिक्षा का पतन हो गया है, और कभी कभार जब स्कूल खोले गए हैं तो इस सरकार ने छात्रों से भी GST वसूल कर ली है। क्या आपकी सरकार GST छात्रों को मतलब माफ़ करेगी क्या नहीं करेगी? देखिए, अभी 2 साल तक कोरोना की वजह से, और आज तो आम जनमानस बिल्कुल सांस खुली हवा में ले रहा है, न तो कोई कोरोना ना कुछ। जब चुनाव आता है तब ये भारतीय जनता पार्टी अपने ये खोखले वादे पे बोलने लगती है। माननीय अखिलेश जी ने घोषणा पत्र में KG से लेके और BA MA तक की शिक्षा माफ़ की है, और शिक्षा का इतना इस तरह इस भारतीय जनता पार्टी ने ख़राब कर दिया है। ये नौनियाल बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और शहरों में जो स्कूल उनमें पढ़ते हैं, सारे स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके खोल दिए और स्कूल बंद कर दिए। आपकी सरकार जब आएगी तो प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति सुधरेगी? हमारी सरकार में शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है और 6% बजट, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में इसका संज्ञान लिया है, सबसे ज़्यादा खर्च